सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है, उस पर मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है और इसके बाद मैं 1/2 कप बेसन और ऐड करूँगी। टोटल मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। उसके बाद मैं इस पर 1/4 टी स्पून हींग ऐड करूँगी एंड 1/2 टी स्पून हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट है एंड 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप उसे ले सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने 1/2 कप पानी भी ऐड किया है, मतलब मैंने 1.5 कप बेसन लिया था देन 1 कप मैंने पानी लिया है और इसका एक थिक पेस्ट बनाया है। थोड़ा गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है, जैसे कि आप पकौड़े का पेस्ट बनाते हैं। इसके बाद मैंने 1/4 टी स्पून सोडा भी ऐड किया, ये खाने वाला सोडा है, और इसका एक थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लिया। बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है वरना फुल्की हमारी नहीं बनेगी। और देखिए इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेहिका वर्ल्ड। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ईद है और मेरी तरफ़ से ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लखनवी स्पेशल कीमा में सेवई और दही फुल्की। तो फुल्की के लिए मैंने ऑलरेडी बैटर रेडी कर लिया है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा। और अब हम चलते हैं सेवैये की प्रिपरेशन की तरफ से। तो ये यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पतली वाली सेवई ली है और उतना ही मैंने चीनी भी लिया है यानी 200 ग्राम, और उतनी ही हमें देसी घी भी लेना है। देसी घी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, तो 200 ग्राम है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ नट्स लिए हैं, किशमिश, काजू, बादाम, और 150 ग्राम खोया लिया है। और इसके अलावा मैंने लिया है हरी इलायची और नारियल लच्छे वाले। इसके साथ ही हमें लेना है कलर, आप कोई भी कलर ले सकते हो, ऑरेंज कलर या रेड कलर। मैंने ये अशोक का लिया है जो कि ऑरेंज और रेड है। तो चलिए फिर अब बनाते हैं अपनी किमामी सेवैयाँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई और कढ़ाई को प्री हीट कर ली है। और हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अपना खोया, क्योंकि खोया थोड़ा सा हार्ड होता है तो हमें इसे सॉफ़्ट करना है। और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि खोया घी नहीं छोड़ देता है तब तक के लिए हम अच्छे से इसको पका लेंगे। और चला चला कर अगर हम खोए को छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। देखिए हमारा खोए ने घी छोड़ दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए ही मैंने सिर्फ इसे अच्छे से पकाया। अब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी चाशनी की। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप पानी लिया है और उसमें 200 ग्राम चीनी ऐड कर दिया, उसके बाद रेड फूड कलर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से चला लेंगे। हमें एक तार चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चीनी पिघलने तक ही चाशनी चाहिए। और इसके साथ ही मैंने इस पे ग्रीन इलायची भी ऐड कर दिया। तो इलायची के जो छिलके हैं वो हम बाद में निकाल लेंगे। अब हमने इधर प्रिपरेशन कर लिए सेवई बनाने की। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है और इसमें मैं अपने नट्स को फ्राई कर लूँगी, जैसे किशमिश। किशमिश जैसे ही फूल जाएगी वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने काजू और बादाम जो हमने काट के रखा था हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। कभी भी सेवई बनाए तो इसको ज़रूर फ्राई करें। कोई भी आप मीठी चीज़ बनाते हैं तो नट्स को ज़रूर फ्राई करके ही डालना चाहिए। अब इसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच और देसी घी ऐड किया और इधर हमारी चाशनी भी पक गई है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सेवई, और सेवई को हमको हल्के से फ्राई करना है और जब तक ये रेड नहीं हो जाती है तब तक कि हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और कभी भी आप नॉर्मल सेवई भी बनाते हैं तो सेवई को ज़रूर ही देसी घी में फ्राई करना चाहिए, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये देखिए हमारी सेवई हो गई थी और हमने डाल दिया है अब इसमें अपनी चाशनी जो हमने बना के रखा था। इसके बाद हम अपने सारे ही नट्स इस पे ऐड कर देंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था। फिर हम अपने खोया भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको चला लेंगे जब तक कि हमारी चाशनी थोड़ी सी ड्राई नहीं हो जाती है तब तक के लिए।
और यस हमारी सिवई बनके रेडी हो गई है। और अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी फुल्की को तलने की। तो बैटर मैंने ऑलरेडी पहले ही बना के रख लिया था और आपको मैंने बता भी दिया था कि कैसे बैटर बनाना है। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा पेस्ट बना रखा है मैंने। और बस अब हम छोटे छोटे बॉल्स करके अपने ऑयल पे इसको हम डाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे सारे ही अपने फुल्की वाले बॉल्स डाल लिए हैं और जैसे ये पक जाएंगी वैसे ही तेल की तली को छोड़ देंगी और तेल में ये तैरने लग जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये तेल में तैरने लग गई, तो नीचे से ये अच्छे से पक गई है। ये देखिए दोनों साइड से मैंने बहुत अच्छे से फुल्की को रेडी कर लिया है। और अब हम बनाते हैं इसके लिए दही। तो ये मैंने 400 ग्राम दही लिया है जिसमें मैंने 1 कप पानी भी ऐड किया था। तो सबसे पहले हम इस पर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग। उसके बाद हमने इस पर ऐड किया है चाट मसाला जो कि 1 स्पून है। एंड उसके बाद हमने ऐड की है रेड चिल्ली पाउडर, ये भी 1 स्पून है। उसके बाद जीरा पाउडर और काला नमक भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये भी 1 स्पून है। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ मैंने 1 कप यहाँ पर पानी भी ऐड किया है। मैंने 400 ग्राम दही में 1 कप पानी ऐड किया है। हमें दही की कंसिस्टेंसी जो होती है वो एकदम पतली चाहिए, मोटी नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे मैंने सॉल्ट टू टेस्ट है। और ये देखिए हमारी दही भी बनके रेडी हो गई है। एकदम हमें पतली दही चाहिए। और ये हमने अब कटोरी में रख लिया है अपनी फुल्कियाँ और इसके ऊपर हम डाल देंगे दही। उसके बाद हम हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि दही इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। फिर उसके बाद हमने जो लच्छे काट के रखे हैं प्याज के वो हम इस पर ऐड कर देंगे। और प्याज के लच्छे ही काट के ऐड करिएगा। ये देखिए मैंने लच्छे काट के रखे थे प्याज के और वो मैंने ऐड कर दिया है इस पर अच्छे से। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर भी ले लिया है और फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे। ग्रीन चिली अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो इसे। अब इसमें हम लगाएंगे एक तड़का, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। उस पर मैंने जीरा और रेड चिली ऐड कर दी है। तो जैसे ही हमारा जीरा और रेड चिली हो जाएगी ये तड़का हम उस पर डाल देंगे अपने दही वाले बैटर पे। और यहाँ पर ये मैंने इसका लगा दिया है तड़का। और इसके साथ ही हमारी की मामी सेवई और दही फुल्की दोनों ही रेडी हो गई है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए आगे नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी रेसिपी की। तब तक के लिए बाय बाय।